आपका हाँ दोस्तों हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको बड़ी अहम जानकारी देते हैं कि आज देखिए मैं कुछ आपके दिखाने के लिए थोड़ी सी गोबर की खाद लेके आया था। ये डायरेक्ट नर्सरी से लेके आया था जो पॉलिथीन में, इसमें भी गोबर की खाद ही है। अगर हम ये गोबर की खाद डायरेक्ट गमले में डाल देंगे, ये खाद देखिए गोबर है, यदि गमले में डाल देंगे डायरेक्ट तो मुमकिन है हमारा पौधा धीमे धीमे सूख जाए और मर जाए। और हम सोचते रहेंगे ये ऐसा कैसे हो गया, हमने तो खाद डाली थी, पौधे को तो ग्रो करना चाहिए था और ये पौधा कैसे ये मर गया, और इस तरह हम सोचते रहेंगे और हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो खाद पौधों में गमलों में हम कैसे डालें, इसका सही तरीका आज मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इस तरह की खाद लेके आएं तो इस तरह के आप कुछ डब्बे रखे हैं, देखिए मैंने इस गोबर की खाद को इन छोटे पॉट हैं, कुछ बड़े पॉट भी हैं मेरे पास, तो मैंने आपको दिखाने के लिए छोटे पॉट में गोबर की खाद डाल ली है और इसमें पानी भर दिया है। पानी कई बार भरा, देखिए ये पानी का कलर भी गोबर की खाद जैसा ये ब्राउन ब्राउन हो गया है। ये एक्चुअली गोबर की खाद की गर्मी निकल रही है, इससे हमारी गोबर की खाद जो है वो परफेक्ट हो जाएगी, पौधों को नहीं जलाएगी। और ये मैं इसको 3 दिन इसी प्रोसेस में रखूँगा, और क्योंकि ये कच्ची खाद है मैं डायरेक्ट नर्सरी से लेकर आया हूँ। नर्सरी वाले भी एक ट्रैक्टर भर के मंगाते हैं, ट्राली भर के, तो एक बोरी में बेचते हैं, वो एक जो बैग होता है उसमें भर के बेचते हैं। तो हमको इस खाद को डायरेक्ट पौधों में नहीं डालना है, अभी इसको मैं 2 दिन ऐसे ही पानी में डेली सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिलेगा मुझे मैं इन गोबर में पानी डालता रहूँगा। और अमूमन ये खाद पुरानी है, यदि इस खाद को मैं पौधों में डाल दूँ तो मुमकिन है मेरा जिस पौधे में ये खाद पड़ेगी वो पौधे को जला दे, सुखा देगी। इसलिए इस खाद की गर्मी को कम करने के लिए मैं इसमें 2 दिन इसको पानी में भिगो के रखूँगा ताकि इसकी जो गर्मी निकल जाएगी फिर मैं डालूँगा, तो ये पौधा इसमें बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ये पौधे के लिए बहुत बढ़िया खाद होगी, रामबाण होगी। तो दोस्तों इस तरह आप भी जब भी खाद ना उसको 2 दिन पानी में जरूर भिगो के रखें, पानी डालते हैं किसी डब्बे में या किसी बाल्टी में रख लें जिसमें कि छेद हो ताकि पानी उसका निकलता आए, अगर पानी नहीं निकलेगा तो वो और ख़तरनाक हो जाएगी खाद। इसलिए ऐसा कोई डब्बा बना लें आप अपने गार्डन के लिए जिसमें छेद हो, तो उसमें से ये या फिर किसी डलिया हो जिसमें जाली हो तो उससे आप पानी डालते हैं, उससे पानी निकल जाएगा। इस तरह आप ये गोबर की खाद अच्छी खाद बना सकते हैं और ये पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी और इससे पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। धन्यवाद।